अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेस टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस टेस्टिंग भी हमारे पास बेसिकली एक सिस्टम टेस्टिंग की टाइप है। जैसे कि हमने सिस्टम टेस्टिंग की बाकी टाइप्स को डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोज़ में, हमने बेसिक टेस्टिंग को कवर किया, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग की बात की, इंटर ऑपरेटिबिलिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम एक और टाइप को कवर करेंगे और बात करेंगे दैट व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में ये होता है बेसिकली, जैसे नाम से पता चल रहा है स्ट्रेस, तो हम क्या करते हैं, हम अपने सिस्टम को उस वक्त तक स्ट्रेस देते हैं, उस वक्त तक आप ये कहो कि प्रेशर ऐड करते हैं जब तक कि वो ब्रेक होने की कंडीशन में नहीं आ जाए। जब हमारा सिस्टम ब्रेक होने की कंडीशन में आ जाता है तब हम जाकर उसके ऊपर स्ट्रेस देना बंद करते हैं, वो ये चेक करने के लिए कि हमारे सिस्टम में कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है। एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगी। लेट्स फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक वेबसाइट है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 यूज़र्स का स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है। 1000 यूज़र्स जब उसके ऊपर आए तो वो क्रैश नहीं होती, उसके बाद अगर यूज़र्स ज़्यादा बढ़ने लग जाएं तो हमारी वेबसाइट क्रैश हो सकती है। तो हम उसको टेस्ट करेंगे, अगर स्ट्रेस टेस्टिंग उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो इस तरह से करेंगे कि उसके ऊपर 1000 यूज़र्स आने के बाद और ज़्यादा यूज़र्स की तादाद को बढ़ाया जाएगा, ये चेक करने के लिए कि वो वेबसाइट कब तक क्रैश नहीं होती और कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द गोल ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग इज़ टू इवेल्युएट एंड डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम कॉम्पोनेंट वाइल ऑफर्ड लोड is in excess of its design capacity, यानी कि हमारे सिस्टम का जो डिज़ाइन बनाया गया है उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उससे ज़्यादा कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है, ये हम टेस्ट करते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग में, ये हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। द सिस्टम इज डेलिबरेटली स्ट्रेस्ड बाई पुशिंग इट टू एंड बियॉन्ड इट्स स्पेसिफाइड लिमिट्स, उसकी लिमिट से ज़्यादा उसको स्ट्रेस दिया जाता है ताकि हम ये चेक कर सकें कि कब तक हमारा सिस्टम क्रैश नहीं होता, कि कब तक वो अपने स्टेबल पोजीशन के अंदर अवेलेबल है। ओके, इट इंश्योर्स दैट द सिस्टम कैन परफॉर्म एक्सेप्टेबली अंडर वर्स्ट केस कंडीशन अंडर एन एक्सपेक्टेड पीक लोड। इफ़ द लिमिट इज एक्सीडेड एंड द सिस्टम डज फेल देन द रिकवरी मैकेनिज्म शुड बी इन्वोक्ड। हम जब स्ट्रेस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर जब हम स्ट्रेस दे रहे हैं तो लाजमी सी बात है हमारा सिस्टम क्रैश भी हो सकता है, हमारा सिस्टम फेल भी हो सकता है। तो वहाँ पर हम पहले से रिकवर मैकेनिज्म अपना जो है वो वहाँ पर रखते हैं ताकि हमारा सिस्टम अगर क्रैश हो, फेल हो या फिर ब्रेक डाउन हो तो हम उसको दोबारा से रिकवर कर सकें। स्ट्रेस टेस्ट आर targeted to bring out the problems associated with one or more of the following: memory leak, buffer allocation and memory carving. तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट था स्ट्रेस टेस्टिंग के हवाले से। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अपना फीडबैक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेल्पफुल रहे तो बाकी दोस्तों के साथ, फेलोज़ के साथ और जूनियर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो। इसी टाइप से आप जो है वो आपको हमारे चैनल पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस से बाकी रिलेटेड बाकी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल की वीडियो सेक्शन में जाकर आप बाकी रिमेनिंग वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।